अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कामरान हयात। पर्सनालिटी ऑफ द डे में हम हमेशा की तरह कोशिश करते हैं पाकिस्तान के उन तमाम तर सितारों को आपसे ज़रूर मिलवाएं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मेहनत की। पाकिस्तान शोबिज़ की शख्सियात हैं, पाकिस्तान के सियासत की शख्सियात हैं और बिजनेस के बेशुमार टाइकॉन्स हैं। आज जो पाकिस्तान की एक शान है, पाकिस्तान की पहचान है, उन्होंने जब मॉडलिंग में कदम रखा तो मिसेस पाकिस्तान का अवार्ड हासिल किया, फिर जब सिंगिंग में कदम रखा तो तमाम तर अछूते हुए जो रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ दिया। जी आप समझ गए, मैं मुस्कान जय की बात कर रहा हूँ। आज हम उनके घर जा रहे हैं और देखते हैं कि उनकी कैसी मसरूफियत है। आला तालीम का सिक्का सिंगिंग में कामयाब हो गया। मेरे ख्याल में एजुकेशन जो है वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन जो आर्ट जब आता है हमारे पास, लाइक सिंगिंग है या एक्टिंग है, उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन। तो अगर हमने इस पे वर्किंग नहीं की हो, लाइक जैसे सिंगिंग सीखी नहीं है, तो आप एजुकेशन के बेस पर नहीं कर सकते उसको। तो ये कि एजुकेशन आपको स्टाइल देती है, आपको अवेयरनेस देती है, तो जो आपने बाकी करना है उसके लिए उसकी भी एजुकेशन है। लाइक जैसे मैं सिंगिंग करती हूँ या फिर मैंने शुरू में रैंप किया, तो वो भी एक एजुकेशन थी, वो भी मैंने लर्न किया, सीखा। वो जाते मतलब ऐसा नहीं है कि जाते मतलब रैंप पर चलना शुरू हो गया, उसके लिए बाकायदा हमें रिहर्सल्स करवाई जाती थी, हमारे सीक्वेंसेस बनते थे, कितना कोई चलेगी मॉडल, उसके पीछे कब आएगी दूसरी, कब आएगी टर्न, कब करेंगे, पूरा एक सेटअप होता है। तो ये कि हर चीज़ के लिए आपको मेहनत अलग से करनी पड़ती है। ज़्यादा तालीम याफ्ता होकर सिंगिंग में कदम रखना बेहतर है या नॉर्मली लोग भी बगैर पढ़े लिखे भी अच्छा गा लेते हैं? देखिए, जहाँ तक गाने की बात है, गाना तो डेफिनेटली, गाने का एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी आर्ट का। एजुकेशन हमें स्टाइल देती है, हमें अवेयरनेस देती है। अगेन वही बात कह रही हूँ कि जब हमें सिंगिंग करनी है तो कुछ गाना आपने लिखना है या आपने उसको दूसरी लैंग्वेज में गाना है या किसी को प्रेजेंट करना है, आप गाने के बारे में आपने डिटेल बतानी है, तो आपके पास अल्फाज होने चाहिए, ठीक है। और जब तक आपकी एजुकेशन नहीं, आई थिंक आप कुछ नहीं कर सकते। और सिंगिंग जो है मेरी, ये मेरा अपना खुद का पैशन नहीं है, ये मेरे फादर की विश थी कि मुझे मीडिया में आना, तो चलो कोई बात नहीं, आप आ गई, आपका शौक़ है, लेकिन अगर आप मॉडल के बजाय आप सिंगर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैंने अपने फादर की वजह से फिर सिंगिंग सीखी। मुझे सिंगिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, मैंने अपने फादर की वजह से सीखी, बिकॉज मुझे जो है फैशन हमेशा पसंद रहा है, तो मैंने फैशन ही किया है, दिल से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, मुझे रैंप पर चलना अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक बीट पर चलना अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं ट्राई करती हूँ, और प्लस एक बैट लग गई थी मेरी, तो मैंने कहा चले मेरे फादर की तो सपोर्ट है मेरे साथ, तो ये बैट वाले बंदे को मैंने बताना है कि हाँ सिंगिंग इतनी मुश्किल नहीं जितना आप हमारे सर पे चढ़ के हमें कर रहे हैं कि जी सिंगिंग तो करना बहुत मुश्किल काम है और दुनिया का जो है ये मुश्किल तरीन काम है, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम लोग कर सकते हैं जो शाम चौरासी घराने से हैं। तो मैं बस उसको दिखाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत किया, और जब मैं सिंगिंग में मैंने कदम रखा तो अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी बाजू पकड़ी कि मेरा पहला ही गाना बिलाल सईद के साथ जो मैंने किया वो इतना माशाल्लाह से हिट हुआ कि वो वर्ल्ड वाइड सुना गया, और अब तक जो है वो उसको लोग डाउनलोड करके गाड़ियों में, क्योंकि उसकी इतनी बेस मज़े की है और इसकी लिरिक्स इतने मज़े के हैं, अभी तक मैंने सुना है अक्सर हम मॉल से जब निकलते हैं शॉपिंग करके तो साथ से कोई गाड़ी क्रॉस करे आपको तो आपका गाना बीच में बज रहा हो, तो कितनी मज़े की बात होती है। तो मैंने एक अच्छा फ्लेवर दिया उस गाने को। और किस सिंगर से इंस्पायर हुई कि मुझे मॉडलिंग नहीं सिंगिंग ही करनी चाहिए? बैट की बाद में पूछूंगा।
ये एक्चुअली जो मेरी इंप्रेशन है वो तो नुसरत फतेह अली खान साहब है. इनफैक्ट मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं बहुत छोटी होती थी तो मेरी मदर जो है ना हम बच्चों के साथ साथ ही रहती होती हैं अक्सर, तो मेरी मदर ने मुझे एक बार अकेले छोड़ा था घर में, वो किसी काम से गई थी, तो मैंने उनके पीछे से खान साहब का गाना लगाया था मेरी आंखों को. तो तब मैं बहुत छोटी होती थी, मुझे कोई सेंस नहीं थी कि वर्ड्स का मतलब क्या है और इसका हमारे मूड पे या बॉडी पे क्या असर होता है. तो आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ को कि जब वो मैंने गाना सुना, मैंने फिर सुना, फिर मैंने सुना उसको, मैंने 3-4 बार सुना और आधे पौने घंटे के अंदर मुझे 101 बुखार था. क्यों? I don't know. घर वाले परेशान थे, अम्मी परेशान थी कि जब मैं गई हूँ तो ये बिल्कुल ठीक थी और जब आए तो मुझसे पूछ रहे थे खाया क्या, क्योंकि छोटे होते थे कोई गलत चीज़ खा ली तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाया. कहते किया क्या है, कुछ डांस किया है, क्योंकि अक्सर मैं शरारतें करती थी, दरवाज़ा बंद करके मेकअप कर लिया, परफ्यूम लगा लिया, शीशे के सामने दुल्हन बन गई, तो अक्सर गलत ऐसी चीज़ें करती रहती थी. तो अम्मी कहते कुछ किया है तुमने, मैंने कहा नहीं अम्मी आज मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस देखे लिपस्टिक भी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है. तो अम्मी डराती थी कि लड़कियां अकेले में परफ्यूम नहीं लगाती, यू नो. तो अम्मी कहती तुमने लगाया परफ्यूम, मैंने कहा नहीं अम्मी नहीं लगाया. फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं गाने सुन रही थी. कहती अच्छा तुमने गाना सुना था इसीलिए भूत आ गए, बुखार हो गया. तो मम्मी हमें इससे डराती होती थी कि म्यूज़िक घर में ज़्यादा यू नो सुनना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है. बहुत कंट्रोल रखा हुआ था उन्होंने कि बे टाइम का टीवी नहीं लगाना, म्यूज़िक नहीं बजाना, तो इस तरह की बहुत सख्ती होती थी. तो वो मैं फिर भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ, भूल गई. फिर मैं बड़ी हो गई, फिर मैं मीडिया में आई, मॉडल बनी, और जब अब्बू ने इजहार किया इस चीज़ का कि आप गाने की तरफ आओ तो मैंने गाना सीखा. फिर मुझे फील आई दोबारा से, मैंने कहा यार वो बचपन में एक जो हम लोगों ने करना होता है ना, वो बचपन से तय भी होता है और आपकी बॉडी में भी वो जर्म्स होते हैं. ये बचपन में कहते हैं, बहुत सारे स्टार्स यही कहते हैं कि बचपन में मुझे शौक था, मुझे शौक नहीं था, बचपन में लगा. ये बचपन में लग कैसे जाता? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा और मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था. ठीक है, ठीक है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है, मुझे क्यों. अब जब मैं आई हूँ, मैंने कदम रखा है, जब मैंने सीखा है, और कहते हैं ना कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो मुझे अब पता चला है कि किस तरह से रूह की ग़िज़ा है. मतलब ये नहीं कि आपका पेट भरती है, वो आपको फुलफ़िल करती है. अगर आप सैड हैं तो आप गज़ल सुनेंगे, अगर आप हैप्पी हैं तो आप ट्रांस सुनेंगे, अगर आपने तेज़ गाड़ी चलानी है तो फिर आप यू नो, तो इस तरह की ये है ग़िज़ा. बेसिकली हमें वो एनर्जी देती है चीज़. आपने भी नोटिस किया होगा जब आप थके होते हैं तो आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो आप क्या करते होंगे, चाय पीते होंगे या फिर आप ट्रांस म्यूजिक चलाते होंगे, म्यूजिक बज रहा है तो आप गाड़ी फुल स्पीड से चला रहे हैं. तो ये सीन होता है सारा. बचपन की शरारतों में सबसे अहम कौन सी शरारत थी जिस पे बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी? मुझे बहुत डांट पड़ती थी. मुझे आप ये समझे कि मैं शरारतों का पुतला थी. वो अभी भी लग रही है. अब तो बिल्कुल भी. अब अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं तब से अब की लाइफ, तो मेरा 1% रह गया है. लेकिन मेरी फैमिली से अभी भी वो 1% टिकटॉक पे इतना हैवी है, तो 99% क्या होगा? तो वो ये था सोने मेरी बात. अब मेरी जो मदर और जो मेरी फैमिली है वो ज़रा बहुत सिंपल किस्म के लोग, देसी खाने वाले. सबसे ज़्यादा जो मुझे डांट पड़ती थी, अम्मी जब अचार डालती थी, ठीक है, तो मैं कच्चा अचार निकाल के, अम्मी ने वीक के बाद उसको पलटना होता था ना, तो वीक तक जो है ना वो जार खाली हो जाता था, अम्मी ने बांधा होता था. मैंने क्या करना कि मेरी फ्रेंड्स में मोटी बहुत होती थी, तो अक्सर स्कूल में हमारी बैट लगती कि कौन जीतेगा, तो मैं हार जाती थी क्योंकि मोटापे की वजह से मैं नहीं भाग सकती थी. तो फिर मेरे दोस्त नहीं बनते थे और मुझे ये होता था मैं घर से अम्मी ने जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं मैं ले जाऊँ, उनको खिलाऊँ और मैं अपनी दोस्त बनाऊँ उनको ना. तो ज़्यादा इसलिए कि अम्मी ने कहना अच्छा तुम ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए अलग से जार भर देती हूँ, लेकिन मुझे पता हो कि घर में मुझे ज़रूरत है या मैंने बनाया हुआ है तो मैं क्या करूँ अब पूरा जार. तो इस चीज़ से डांट पड़ती थी. फिर मैं फिशिंग बहुत, स्कूल से मैंने भाग जाना और मेरे बैग के अंदर ही वो मैंने ना कुंडी डोरी बना के रखी होती थी, फिर एक तरफ से खुदाई करनी और वो हमने ना वो निकालने उसके अंदर से, या फिर हम लोगों ने रोटी के टुकड़े डालने तो फिश, दो फिश लेकर आती थी इतनी छोटी, मुझे याद है, तो इतनी छोटी छोटी होती थी और फिर मैं तवे पे उसको फ्राई करना. अम्मी कहती अच्छा 12 बजे तुम दो मछलियों के साथ घर आई हो, पड़ा क्या है.
तो मुझे फिशिंग का इतना शौक था, बस वही करना कि स्कूल से जाना, वो जो भी है वहाँ पे अटेंडेंस लगवानी, उसके बाद फिर निकल जाना कि मुझे बुखार हो रहा है या मेरी अम्मी ने बोला था जल्दी आना और ये वो, तो वो सिंपल लाइफ थी, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ें बहुत याद आती हैं, एक ये वाली अचार वाली और दूसरी वो कि हम जब स्विमिंग वगैरह के लिए जाते थे, पानी वो होता था ना, तो मेरी दोस्त कहती थी थोड़ा और आगे थोड़ा और आगे, तो वो मुझे धक्का दे के फेंक देती थी, तो मैं आलू की तरह गिरती थी, बहुत मोटी होती थी, मेरा पूरा धागे से फेस था, तो कपड़े ये वो सब गीले होते थे, तो मैं जब जाती थी अम्मी कहती थी अच्छा आज खाने के लिए कुछ नहीं लेगी ना, इसलिए तुम्हारे दोस्तों ने मारा है। जो स्कूल लाइफ थी वहाँ खाने खिला कर दोस्ती बनाई, शोबिज में भी खाने खिला खिला कर दोस्ती बनाई। शोबिज वाले तो खून भी पी गए। ये तो खून पानी सब पी गए, लेकिन शोबिज में ऐसे मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है कि जिनको मैंने यूँ किया हो, मतलब यहाँ से बहुत ऑफर्स आती हैं खाने की कि डिनर पे आए, ये करें वो करें, बट आपको पता है कि हमारी हालत क्या होती है, डाइटिंग के चक्कर में बस थोड़ा सा खाना है, पूरा खाना है और अपना खाना है, यू नो, तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। खाने पीने का मामला तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया है, अब तो कहते हैं ज़िंदा रहने के लिए आपने बस थोड़ा सा खाना है, तो वो चीज़ें बस बचपन में मेरा बहुत इतना, मतलब कि मेरा बचपन मजे का गुजरा हुआ है कि शायद किसी लड़के का ऐसा हो, बॉयज़ का तो कह सकते हैं आप, हमने दरख्तों पे चढ़ना, अमरूद चुराने, ये फिल्मों में आपने देखा, मैंने रेल में किया हुआ है, तो बस मैं थोड़ा सा ऊपर जाती थी और फिर वो अंकल जो आ जाते थे बाग वाले, फिर सब भाग जाते थे, फिर मैं पकड़ी जाती थी, और मेरे अब्बू के घर पे मेरे घर पे वो आता था अंकल, वो कहता था भैया आपकी बेटी की वजह से दूसरी लड़कियां आती हैं, तो कोई हाथ नहीं आता था, सब भाग जाती थी, सिर्फ एक ही रह जाती थी। तो फिर हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए, तो जब लाहौर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर आके लाइफ वो जो है बहुत एक्टिव हो गई, बहुत चेंज हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइफ में मेरी अम्मी को और मेरे अब्बू को कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बकायदा बैठकर काउंसलिंग करेंगे, बात समझाएंगे तो बात समझ आएगी, बस एक बार डिस्कस हो रही जैसे टेबल टॉक हुई, खाना खाते हुए बात हुई कि ये तो मैंने वो चीज़ें अडॉप्ट की, मैंने खुद से सीखा है, मैंने कुकिंग खुद से सीखी है, मैंने अपना जो भी स्टाइलिंग, चलना बोलना, हर चीज़ मैंने खुद से सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे शौक था इन सब चीज़ों का, और मुझे अपनी फैमिली से सबसे हटकर, मैं बचपन में भी इस चीज़ से डांट खाती थी, मामा को हमेशा कहती थी दो चीज़ें, मामा मैं दुल्हन कब बनूंगी, okay. और जैसे कुछ भी मुझे मिलना है ना दुपट्टा, कोई दुपट्टा रेड कलर का या लेस लगी हुई, तो फौरन लेके बैठना, लिपस्टिक लगानी, मामा मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी मेरी शादी कब होगी, मम्मी कहती चुप कर चुप वो आने वाले हैं डांटेंगे। तो ये चीज़ें जो है मैंने बचपन में बहुत की है। सबसे ज्यादा लाडली किसकी थी? अम्मी की, अम्मी की और मामू की, मामू की। क्या बाबा का प्यार कम मिलता था या खौफ ज्यादा था? नहीं, मेरे बाबा ने कभी खौफ नहीं डाला, बहुत नॉर्मल, इवन कि कभी बाबा ने डांटा भी नहीं, ठीक है, और बस ये होता था कि लेडीज़ का एक वो रूल होता है कि माँ के साथ बच्चे ज़्यादा अटैच होते हैं, बाप ने तो बाहर रहना है, जब बाप ने आना है तो अम्मी ने उससे पहले आपको सुलाना भी है कि अब्बू आ जाएंगे सो जाओ, अब्बू आ जाएंगे ये हो जाएगा, मतलब एक डर होता है ना एक बंदे का, तो अम्मी के साथ ये होता था कि अम्मी के तो हम ऊपर चढ़ के नहीं, अम्मी ये करना है। तो अम्मी के साथ ज़्यादा, और मामू की मैं बहुत लाडली थी, मुझे साउंड से डर लगता था, जैसे मैंने आपको बताया गाना सुनने से बुखार हुआ, साउंड से डर लगता था, हमारे घर के ऊपर से एरोप्लेन में गुजर जाना बहाना, बस बस मुझे अब स्कूल नहीं जाना ना, हाँ जहाज, अम्मी मैंने नहीं यहाँ पे रहना, जहाज आ रहा है मैंने मामू के घर जाना है बस, तो मामू की और अम्मी की बहुत लाडली थी। पानी आ गया, बारिश आ गई, तो नहीं अम्मी यहाँ पे बारिश बहुत होती, मैंने मामू के घर जाना, बस किसी तरह से स्कूल से छुट्टी मिलनी चाहिए, दूर रहना है स्कूल से। दोस्तों में मोहब्बत, दोस्तियाँ, स्कूल की कौन सी फ्रेंड जिसे सबसे ज्यादा मिस करती हैं अब इस वक्त? नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे तब, जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए तो वो फिर सब वहाँ पे रह गए, गांव वाले लोग शेखुपुरा में, तो वहाँ पर रह गए ना, मतलब कि वहाँ पर अभी तक भी मेरे ख्याल में बहुत कम है ऐसा कि फ़ोन होते होंगे किसी के पास, व्हाट्सएप होगा या कुछ होगा, तो किसी से रब्ता नहीं, तो जाना इसलिए नहीं हुआ बिकॉज जब से मैं लाहौर आई तब से मेरी मतलब मेरी एक्टिविटी ऐसी चेंज हो गई, काम में इतना बिजी हो गई कि मैं अपने गाँव में, मेरे ख्याल में पहले मैं गई थी जब फर्स्ट गई थी शिफ्ट होने के बाद, तो मैं गई थी 9 साल के बाद,
तो आखिरी वो ही गई हुई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी मॉडर्न हो चुकी थी, मेरी पिक्चर्स लग चुकी थी और यू नो फिर सब लोग कहते थे अच्छा मीडिया में चली गई है, ओह अच्छा रात को बाहर रहती है, मतलब ये सोच है उनकी। तो मैंने फिर वहाँ जाना इसलिए बंद कर दिया। घर बहुत याद आता है, लोग बहुत याद आते हैं, स्कूल बहुत याद, मास्टर जी बहुत याद आते हैं, फिर जिनसे मैंने कुरान पाक पढ़ा था वो कारी साहब मुझे बहुत याद आते हैं, जो मैं रात को बच्चों से नाच सुनते थे तो मैं कहती थी कारी साहब एक बार मेरी, कह रहे नहीं लड़की की आवाज़ नहीं जाती माइक में, क्योंकि गांव था तो नहीं था वो। मैंने उन्हें बड़े बड़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं मैंने एक बार नाच पढ़नी, कहते नहीं, मुझे मार के उन्होंने भगाया, कहते भाग जाओ यहाँ से कि आप लड़की की आवाज़ नहीं माइक पर जाएगी। तो फिर मैं घर पर पढ़ती थी अपनी। उस वक्त में चांस दे देते तो कि आज शोबिज में तो ना होती? नहीं, शायद नहीं होती बिल्कुल नहीं होती। तो मेरी स्टोरी अलग है, मेरा बचपन में ना शौक था, ना मेरी फैमिली में से किसी को शौक था, इवन अभी तक मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट में है, बट इस तरह की सपोर्ट नहीं कि मीडिया में मुझे पुशअप करे, जैसे बोले कि मुस्कान तुम्हारा शो आने वाला, रेडी हो जाओ, या आई मीन सो जाओ, रेस्ट कर लो, तुम थकी हो। कहते नहीं तुमने शोबिज़ करना, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन हमारे साथ हमारा टाइम पूरा दो, करना है शोबिज़ करो, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। वो मुझे शौक पैदा हो गया, कुछ शौक पैदा हो गया, कुछ वो बैट लग गई। ये बैट का क्या सीन है, बैट की क्या डिटेल है? अच्छा जी, बैट की ये डिटेल है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं का ही है, मतलब कि जैसे कोई आप शाम चौरासी घराने से रिलेटेड कह रहे हैं, शाम चौरासी घराने के जितने भी सिंगर्स हैं माशाल्लाह से बहुत हिट हैं, और मैंने कोई ऐसी चीज़ उनमें से सुनी नहीं, हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिली उनकी तरफ से। तो कुछ लोग ऐसे जो रिलेटेड हैं बहुत दूर से, मतलब वो कोई रिश्तेदार हैं या सीखा हुआ, तो उनको ये लगता है कि उनके अलावा गाना नहीं गा सकता कोई, ठीक है, जबकि गाना एक आर्ट है, एक टैलेंट है, जो भी इस पर मेहनत करेगा वो डेफिनेटली कुछ भी कर सकता है। तो हुआ ये कि वहाँ पे दो तीन बातें सुनने को मिली जो मेरे दिल पे लग गई, तो वो दिल पे ऐसी लगी कि वो ये जाहिर कह रही थी कि जो मतलब सिंगर्स होते हैं उनकी लाइफ, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, मॉडल की रिस्पेक्ट नहीं होती क्योंकि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, डांसर की रिस्पेक्ट नहीं होती क्योंकि उछलना ही होता है, हालांकि डांस मेरी नज़र में सबसे मुश्किल चीज़ डांस है, क्योंकि उसको कैरी करना, चलना, आपकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, और सबसे जो मेन मसला होता है आपकी फिटनेस का, मतलब आप स्टेप ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो खैर जिसकी जॉब होती है वो कर रहा होता है बेहतर तरीके से, बट वो दिल को लग गई जिस जैसे उस खातून ने बोली। और अल्लाह का शुक्र है जो मेरा पहला गाना हुआ तेरी यादा, बिलाल सईद के साथ किया, सुपर हिट हुआ, और उसके बाद जो है मेरा दूसरा गाना ये जो आपने अभी सुना भी है माशाल्लाह, ये भी सुपर हिट हुआ। इनफैक्ट ये तो इतना टिकटॉक के बाद ये डबल हिट हो गया, क्योंकि पहले तो इसके जो व्यूज़ थे वो मिलियंस के हिसाब से थे, अब जो इसकी मिलियंस के हिसाब से इसकी वीडियो बनी हुई है। और आजकल एक ट्रेंड चला होता है कि मतलब वो गाना लोग करते हैं तो वो फिर टैग्स कर रहे होते हैं कि इस पर टिकटॉक बना के भेजें, और मुझे लोग भेजते हैं कि ये देखें आपके गाने पर टिकटॉक बनी हुई है। और मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और इसके पीछे पूरी टीम की स्ट्रगल है, जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, जिन्होंने वीडियो बनाई, जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने रिलीज़ किया, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो पूरी टीम को इसका जो है वो क्रेडिट जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, क्योंकि मेरी नज़र में मैं बिलीव करती हूँ स्ट्रगलर्स पे। स्ट्रगलर का मतलब अब ये नहीं कि जो नए लोग होते हैं, स्ट्रगल का मतलब आप ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने शो के लिए लाइनअप करना। स्ट्रगल बेसिकली ये होता है कि फिज़िकली हम लोग उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो मुझे वो लोग भी पसंद हैं और मुझे उसकी फीडबैक भी मिली, और अल्लाह ताला को भी वही लोग पसंद हैं जो खुद अपने लिए कुछ करते हैं, तभी अल्लाह ताला भी उनके लिए कुछ करते हैं। तो बैठ कर तो आप बोलेंगे प्लेट में रख के मुझे दे जाएं तो कोई भी नहीं करेगा, तो बस यही है कि उसको सबक ऐसा मिला है कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो मेरे में वो इंटरनेशनल आखिरी टूर था, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स मिले, मेरा गाना भी हिट हो गया, मेरे शोज़ भी आते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एवरीवेयर, आप कभी भी देखें कहीं भी देखें कि मुस्कान जय है, तो वो खातून नहीं है अब, तो अब उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है, मैंने उनको फ़ोन करके बोलना था कि बीबी देखो अब कौन कहाँ खड़ा है। फिर मैंने सोचा लीव इट मुस्कान, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज नहीं पसंद, अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी है, तो बोलता है और उसके तो वो बड़े लफ्ज अल्लाह को पसंद नहीं आते, और अल्लाह पाक उसे वापस ले लेता, और ये आजमाई हुई चीज है कि अल्लाह ताला जब देता है तब आपको इज्जत अगर रास नहीं आती तो अल्लाह ताला वापस ले लेता है, ये ट्रू बात है। तो मैं बिलीव करती हूँ स्ट्रगल पे, ठीक है, तो उस बैट का जो मुझे मज़ा आया वो ये आया कि उसकी वजह से फिर मैंने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल की, और आज आपके सामने माशाल्लाह। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई,
इतना सुपर डुपर हिट मैडम ने भी गाया, आपने भी गाया, आपके गानों के ऊपर ये जो इतना ज्यादा व्यू, ये अरशद चाय वाले का कमाल था या उस सॉन्ग में जान थी? अच्छा, मेरे ख्याल में इसका जो क्रेडिट है वो सबको जाता है। सबसे पहला क्रेडिट जो जाता है वो मैडम नूरजहां को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ये गाना हिट हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ चेंजिंग करने की कोशिश की, तो अरबाज़ ने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया उसका। फिर उसमें लकीली उसमें चाय वाला भी था, चाय वाला उस उन दिनों में बहुत इन था, न्यूज़ में था, और चाय वाला को भी क्रेडिट जाता है डेफिनेटली। और फिर मेरी ब्यूटी को, मेरी ड्रेसिंग को, लोकेशन को जो हम लोगों ने वहाँ पर शूट की, ओवरऑल पूरी टीम को जाता है। और मेरे ख्याल में चाय वाले को थोड़ा ज़्यादा, इसलिए क्योंकि चाय वाला उन दिनों में काफ़ी इन था मीडिया में और न्यूज़ में बहुत इन था। और बाकी ये चीज़ें कि एंड ऑफ द डे काम नज़र आता है। अगर मेरे ख्याल में उसमें हम लोगों ने म्यूज़िक अच्छा नहीं होता या हमारी वीडियो अच्छी नहीं बनी होती, कोई कमी होती, तो लोग दोबारा नहीं सुनते। तो उस पर जो मिलियन व्यूज़ आए और अभी तक जो चल रहा है वो गाना, और लाखों के हिसाब से उस पर टिकटॉक बन रही है, तो मेरे ख्याल में वो काम अच्छा है। और उसमें जो फ्लूट बजा हुआ है वो बहुत मज़े का है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिकटॉक आपने देखी होगी, वो चल रही है और मुझे डेली लोग सेंड करते हैं। और मुझे इस चीज़ का मज़ा आता है कि आजकल लोग वीडियो बनाते हैं और उसका क्लिप बनाकर ना छोटे छोटे, तो वो सेंड कर रहे होते हैं कि इस पर आप ना टिकटॉक बना के सेंड करें, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। लोग मुझे सेंड कर रहे होते हैं कि देखिए आपके गाने पर टिकटॉक बनी है, तो आई थिंक ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक जीत का पैगाम है। हमारी इसमें जीत है, चाय वाला हो या कोई भी हो, आफ्टर ऑल वी आर टीम, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं और इसका क्रेडिट, इसकी फीडबैक मिल रही है, तो मेरे ख्याल में ये पब्लिक की तरफ से बहुत बड़ा प्यार है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए। नहीं तो आपको पता है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े म्यूज़िक, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़, पैसा भी लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरे दिन नज़र नहीं आ रही होती। तो मुझे ये चीज़ ही मेरे लिए काफ़ी है, चाय वाले की वजह से हो या अरबाज की वजह से हो, मेरे लिए काफ़ी कि मेरा गाना हिट हुआ। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेनू दिल वाली गल मैं सुनाई, सही जावे ना सजड़ अपनी फिटनेस कायम रखने के लिए जिम जाती हैं या डाइट अच्छी है? देखिए सबसे पहली चीज़ होती है आपका फूड, कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, और इसके साथ साथ आपकी जो रूटीन की लाइफ होती है, घरेलू लाइफ जिसको हम कहते हैं वो, तो ये दो चीज़ें सेट हो तो जिम असर करता है। अगर ये दो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो तो जिम कभी असर नहीं करता, आप बेशक 4 घंटे जिम में रहें। तो मुझे जो है मेरी फिटनेस मेरी फूड की वजह से और मेरा जो टेम्परामेंट है उसकी वजह से जो है बरकरार है। सो जिम का है, पहले बहुत क्रेज़ी थी, पहले बहुत ज़्यादा मैं जिम जाती थी। अब आजकल जो है बेबी के बाद कोई मेरे ख्याल में 4 साल हो गए, पहले तो मेरा बोन का इशू था, पेन थी, जिम नहीं कर सकती थी और अभी भी फ्लोर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जस्ट वॉक कर सकती हूँ। तो जिम मैंने 3-4 साल से नहीं किया, नॉर्मल वॉक और अपना फूड। मुस्कान, 2016 का अवार्ड मिसेस पाकिस्तान मिला, खूबसूरत ज़्यादा थी या ड्रेसेस का कमाल था? तो फनी, आई थिंक मुझ पे ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसलिए। अच्छा, मैंने उसकी स्टोरी ये है कि वो बेसिकली पेजेंट जो है मिसेस पाकिस्तान का, पहले चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्यूटी पे नहीं होता, ये होता है आपका मतलब एक्टिवेशन पे, कि आपकी लाइफ में कितना आप एक्टिव हैं। ये मैं जो थी, मैं 7th नंबर पर मिसेस पाकिस्तान बनी थी, मुझसे पहले 6 और मिसेस पाकिस्तान है जिनका नहीं पता, और मेरा इसलिए पता चला बिकॉज आई एम इन मीडिया, तो वो न्यूज़ में और ये वो, तो वो जो थी उनका कोई मैरिट नहीं था, कोई वो नहीं था, और उनको आई थिंक शौक भी नहीं था कि वो मीडिया पर आए, बट वो बनी इस सूरत में, क्योंकि घरेलू लाइफ सबसे पहले देखी जाती है और बोलना
आपका किचन में काम करना, आपका और इसके अलावा मीडिया के अलावा, मीडिया तो यू नो एक ऐसी फील्ड है कि जो लोग यहाँ आ जाते हैं पिछली जो भी उन्होंने बैकग्राउंड पे किया होता है वो सारा कुछ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। मैंने नहीं छोड़ा, जैसे मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छी वाइफ हूँ, मैं बहुत अच्छी मदर हूँ, तो ये सारे जो कॉम्पिटिशन थे वो मैंने विन किए, ठीक है, फिर जाकर मैं मिसेस पाकिस्तान बनी। तो इट्स अ हार्ड वर्क, इसको मतलब बहुत इजी लोगों ने लिया। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स करके ये भी कहा, मैं लाइव शो में बैठी हुई थी तो मुझे कॉल आई, तो आप सेंस देखिए लोगों की, हमारा पाकिस्तान के लोग जो हैं, एक साहब कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा मुझे इस चीज़ का जवाब दें, जो मिस पाकिस्तान होती है वो, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की बेटी, ठीक है, और जो मिसेस पाकिस्तान होती है वो मतलब पाकिस्तान की वाइफ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए पहली बार तो ये कि जो मिस पाकिस्तान होती है उसका कंपटीशन बहुत टफ होता है, बिकनी शूट्स होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, तो कोई भी लड़की बिकनी में आती तो आप लोग अपनी बेटी उसको मानते हो या किसी मॉडल को आपने अभी तक बेटी बहन बोला है? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और जब जहाँ तक रही मिसेस की बात, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की मिसेस, इसका मतलब है परफेक्ट मिसेस, ठीक है, जिसको सब कुछ आता है, जो मीडिया में भी है, जो अच्छी मदर भी है, जब वो किचन में जाती है तो लगता है कि ऐसा कोई खाना बना ही नहीं सकता, जब वो डिज़ाइनिंग करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही एक्सपर्ट है, तो मतलब इस तरह की चीज़ों को उसमें कंसिडर ऐड किया जाता है। ये थोड़ी कि वो रैंप पे आ रही है तो रैंप पे चल कैसी रही है तो हाँ शी इज़ फिट, वो मिसेस पाकिस्तान बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट से शोबिज का पुरस्कारों में कामयाबी का सबसे ऊँचा दर्जा हासिल कर लेना, इस सारे एक्सपीरियंस में क्या फील हुआ कि मैं अब बेहतर हूँ या वो मेरा जो पास्ट था वो बेहतर था? पास्ट बहुत बेहतर था, बिकॉज मेरी जो लाइफ थी शोबी से पहले की, आज़ाद, फ्रीडम, कुछ बोलो, खाओ पियो, मोटी थी, कभी किसी ने बोला नहीं। तो अब ये होता है कि ज़रा सा कुछ हो जाए तो कहते हैं यार मोटी हो रही हो, कंट्रोल करो। सबसे पहले तो आपको कुर्बानी जो देनी पड़ती खानों की, मैं इससे बहुत ज़्यादा भागी हूँ। तो बस अगर देखा जाए कि मेरा ख्वाब पूरा हुआ है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो उसको जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। इतने लोग आते हैं कि वो मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, पैसा भी बहाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको वो मुकाम नहीं देता, बट मुझे मिला। और मुझे लगता है कि मुझे, हालांकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है इसीलिए इजी, बिकॉज मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, ठीक है, बैकअप पे कोई पुश करने वाला नहीं था, कोई कहते हैं ना कि आपको हलाशेरी देना, चलो यार आपका इस ये जिम का टाइम है, जिम चली जाओ। इवन कि कामरान, मुझे किसी कभी किसी ने नहीं बोला कि मेरी एक्टिविटी मीडिया के हवाले से आपका किसी चीज़ का टाइम हो रहा है तो आप इसके लिए रेडी हो जाओ, किसी ने नहीं। मैंने खुद, इवन कि मेरी रात की भी शूट हुई है तो मैंने अगर एक घंटा भी, एक वक्त ये भी था कि मैं 24-24 घंटे सो नहीं पाती थी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई सच है कि एक वक्त था मैं बहुत बिजी थी, इतना बिजी कि मेरा एक शो इस्लामाबाद में होता था, कंपनी से आपको पता है ना डे में भी होते हैं, इवनिंग में भी, नाइट में भी, तो एक शो मेरा इस्लामाबाद में होता था और सेम डे ही मेरा लाहौर में शो होता था, तो मतलब कि इस्लामाबाद से शो करके वापस आई। और कभी कभी ऐसा हो, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे लाहौर से, मेरी 11 बजे, मुझे अच्छी तरह से याद है 11 बजे मैं फ्री हुई हूँ रात के, तो मुझे कॉल आ गई, क्योंकि मैं एजेंसी के साथ अटैच थी तो सारी चीज़ें वही लाइनअप करते थे, तो मुझे कॉल आ गई कि आपने 1 बजे रात को मुझे गुजरांवाला पहुँचना है, तो फिर वहाँ से शो से सीधा निकले और गुजरांवाला गए, और वहाँ से 3 बजे आके जो हम सोए तो फिर 3 दिन नहीं उठे हम लोग। आपके ड्रेसिंग दुनिया के मुनफरिद ड्रेसेस में शुमार होते हैं, इंतखाब तो बड़ा मुश्किल करती होंगी? नहीं, मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना कीड़ा है कि मैं ड्रेसेस को बहुत देखती रहती हूँ, फैशन से भी रही हूँ तो खुद भी मॉडलिंग की हुई है, तो बट मेरा यही होता है कि जितने भी फैशन शोज आ रहे हो, मेरा तो बस चले ना तो मैं सारे वो रैंप वाली ड्रेसिंग करूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करते उस चीज़ को, तो मेरा बहुत दिल करता है कि अगर मैं शॉल भी लूँ ना उसमें भी कुछ फैशन हो, तो ऐसा मैंने किया भी है। मैंने लास्ट ईयर एक शॉल ली जिस जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सेंटर से उसका डिज़ाइन, लेकिन उसके जो पल्लू थे जिसको हम बॉर्डर कहते हैं वो बहुत हैवी थे, ठीक है, तो मुझे अंदर की वजह से वो पसंद आई, पल्लू हैवी थे और मैंने सोचा ये कि ले लेती हूँ, फिर मैंने उसको लिया
और मैं अपने कमरे में ले गई, मैंने उसको कट वट करके उसका बॉर्डर सारा हटाया और मैंने एक नेट का दुपट्टा लिया, उसके ऊपर मैंने उसका बॉर्डर लगाया। अच्छा। और वो लेस मेरी फैमिली के लोग इतना कि जाके ढूंढते रहे, उनको मिली नहीं, फिर आके मुझे कहते यार तुमने किस शॉप से ली थी ये वाली। मतलब मुस्कान शॉप से ली। हाँ, तो फिर मैंने जब उनको स्टोरी बताई तो कहती है अच्छा, मतलब कि तुमने 3,500 की लेस इधर भी लगा ली और तुमने शॉल भी बना ली, तो मतलब कि तुमने 15,000 का काम किया है 4,500 में, क्योंकि लोकल मार्केट से ली थी तो मुझे वो बहुत पसंद आई। तो वो शॉल भी मैंने यूज़ की हुई है डिफरेंट उसमें सर्दियों में, तो वो दुपट्टा भी यूज़ किया हुआ मैंने शादी पर, तो माशाल्लाह वो इतनी अच्छी लुक आई उसकी। मुझे इस चीज़ का बहुत है कि मैं चेंज करूँ चीज़ें, और मैं एक ही ड्रेस को तकरीबन 3-4 तरह से चेंज करके तो उसको यूज़ भी करती हूँ। मॉडलिंग भी कर ली, सिंगिंग भी कर ली, अब क्या ड्रामों में और फिल्मों में आने का भी प्लान है? फिल्म तो मुश्किल लगती है मुझे अब, क्योंकि जो आजकल जो आपको पता है लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म में मुझे चांस मिलेगा। बट ये हाँ, आई एम अ गुड एक्ट्रेस, मैंने बकायदा लर्निंग की है एक्टिंग की। जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने कादर खान का साहब की एकेडमी से भी सीखा, और जब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सीखती हूँ। और फिर एंड ऑफ द डे ये होता है कि आपके अंदर क्या चीज़ है, कितनी पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। तो जब तक आपके अंदर कुछ नहीं, आप जहाँ भी जाएँ कुछ नहीं हो सकता। सो ये कि एक्टिंग माशाल्लाह से है अच्छी, बट जो करेक्टर्स मुझे ऑफ़र हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जो अब मैं हूँ जिस स्टेज पर हूँ, मुझे उस हिसाब से अगर ऑफ़र हो तो मैं सोचूंगी। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी टुच्चा मुच्चा या छोटा मोटा या नई कास्ट के साथ, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं घर पे फारिग सो जाऊँ या टिकटॉक बना लूँ। अगर कोई चांस मिले फिल्म में तो किस आर्टिस्ट के साथ करना पसंद करेंगी? वेल, मुझे फहद मुस्तफा के साथ अगर हो तो मैं वो मिस नहीं करूँगी, फहद मुस्तफा के साथ। अगर किसी एक का इंतखाब किया जाए कि ड्रामों में आपने किसी एक आर्टिस्ट के साथ सोलो सीन देना है, और वो क्लिप कोई ख़ास होगा किसी भी ड्रामा सीरियल के लिए, उसमें आप किस का इंतखाब करेंगी? अगेन फहद मुस्तफा। क्या बाकी आर्टिस्ट इस काबिल नहीं है? नहीं, इस काबिल हैं, बट मुझे फहद की फिटनेस बहुत पसंद है, उसका स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो आई थिंक कुछ चीज़ों में ब्यूटी मैटर नहीं करती, उसमें आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का स्टाइल, आपका फैशन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मुझे आजकल जो ट्रैक कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो फहद मुस्तफा। मॉडलिंग में कदम रखा तो मिसेस पाकिस्तान, सिंगिंग में कदम रखा तो धूम मचा दी, वीडियोस वायरल हो गए, कौन से बाबा जी का तवीज़ ले लिया? तवीज़ तो वेल आपको भी पता आजकल असर नहीं करते इस पे। मेन चीज़ होती है स्ट्रगल और आपका कॉन्सेंट्रेट, आपने जो करना है अगर तो आप दिल से ठान ले कि मुझे ये करना है, ठीक है। जैसे मेरे जैसी लड़की, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं एक ऐसी फैमिली से रिलेट करती हूँ जिनकी ख्वातीन बाहर नहीं निकलती, जॉब नहीं करती। मैं अपनी फैमिली की वाहिद लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली, और वो भी इतनी ब्लंट और बोल्ड तरीके से कि मैं मीडिया में आ गई सीधी सीधी, ठीक है। तो मैंने इस पर स्ट्रगल किया, मेहनत की, और कुछ चीज़ों पे मैंने मार भी खाई, क्योंकि मैं देसी लड़की थी और फैशन शो तो आपको पता है वो बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। उस चीज़ पे मैंने मार भी खाई है, तो जो हमारे वो ट्रेनर थे वो UK से आए हुए थे, और ही वॉज़ सो फनी कि वो जब हमें ट्रेन कर रहे होते थे तो कहते थे यूँ पैर रखना, तो नहीं आ पा रहा होता था तो वो अपनी बाल नोचना शुरू कर देते थे, अपने बाल नोच लेते थे, मैं कहाँ फंस गया। तो बहुत मेहनत की इसके लिए, तवीज़ का कोई असर नहीं होता, मेहनत का असर होता है। शोबिज में बहुत सारी मॉडल्स कुछ भी उन्हें बोले करने को तैयार हो जाती हैं, अपने आप को हाइलाइट्स करने के लिए, हेडलाइंस में आने के लिए बिकनी शूट्स तक करवा देती हैं, बल्कि अब तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी भी वो स्कैंडल का हिस्सा बन गई है। आपका कोई स्कैंडल नहीं नज़र आ रहा? वेल, मैं जो हूँ आजकल थोड़ी कूल डाउन हूँ, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि अब मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ, तो मुझे जो भी करना है वो ये सारी चीज़ें देख कर करना है कि अब आने वाला, मतलब कि मेरे बच्चे को भी लोग बोलेंगे कि आपकी मदर ने ये किया, ठीक है। तो मैं सोच समझ के इसलिए करती हूँ। वैसे भी ये जो शोहरत होती है ये जस्ट फॉर वन नाइट होती है, ठीक है। अब आप देखें जो भी आए लोग, जितने भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि बस एक वीक तक वो न्यूज़ में रहते हैं, उसके बाद फिर वो घर बैठ जाते हैं। एंड ऑफ द डे वही बचता है
जो कुछ कर रहा होता है या करना चाह रहा होता है और अच्छे तरीके से कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरी, मैं वायरल पे यकीन नहीं रखती। चाय वाले की मिसाल आपके सामने आज कहाँ है वो, ठीक है, आज कोई उसको पूछ भी नहीं रहा कि चाय बिक भी रही है उसकी या नहीं। तो मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती, मैं स्ट्रगल पे बिलीव करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरी पिक्चर्स को तो एडिट कर करके लोगों ने बिकनी बना दिया हुआ है, तो मुझे खुद पहनने की क्या ज़रूरत है। लोगों ने इतना खेला मेरी पिक्चर्स के साथ कि पता नहीं किसकी बॉडी लगा के फेस मेरा अटैच कर दिया। आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी में नए तर्ज के इंस्ट्रूमेंट, जबकि ज़माना कदीमी में वो शोहरत उन लोगों ने हासिल की जिनके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, फिर भी उनके गाने आज तक सुने जा रहे हैं। खामी कौन सी है, खूबी क्या है? ये जो मुझे खामी वैसे नज़र नहीं आती, मैं आपको दोनों चीज़ों का बताती हूँ। वो जो हमारा दौर था वो सुनने वालों का दौर था, लोग बैठते थे सुनते थे, और गाने वालों में भी वो पावर होती थी कि वो लोगों को बिठा के रखते थे, वो गाते थे तो लोग बैठते थे। अब आजकल कोई बैठना नहीं चाहता। मेन चीज़ ये है कि ट्रांस इसलिए हम लोगों में इन हो गया बिकॉज हमारे बच्चे, हमारे बच्चों ने इंग्लिश स्कूलों में पढ़ना है, हमने उनको लैंग्वेज भी इंग्लिश पे ही रखना है, ठीक है, मूवीज़ भी वो इंग्लिश ही देखते हैं या इंडियन देखते हैं, ठीक है। तो फिर उनका फ्लेवर भी तो हमें बनाना है बच्चों का। अब बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, यूथ के लिए। जैसे मैं हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं जो मुझे खिताब मिला हुआ है, मिसेस पाकिस्तान का पेजेंट है मेरे पास, बेस्ट सिंगर का है, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे लोग मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे मैं बस उनके लिए आई हूँ। तो मुझे ये देखना होता है कि उनका मूड क्या है। तो मुझे डेफिनेटली ट्रांस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, ट्रांस बजाना पड़ता है बिकॉज पब्लिक वॉन्ट दिस। वो डांस करना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, घर से स्टडी से फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं कि वो अगर जाके भी हम गजल गा रहे हो, बाजे में बैठे हो, तो मुझे अगर मुझे करना भी नहीं आ रहा तो मैं उनको कैसे बिठा सकती हूँ अपने पास। हाँ, मुझे नचाना आता है, मैं नचवा सकती हूँ उनको, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो आजकल ट्रेंड है इस चीज़ का। अब आप देखिए क्लासिकल जो सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत क्लासिकल गाया, वो भी आजकल फास्ट बीट पे अपना क्लासिकल म्यूज़िक बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दम है, ठीक है। और यूथ ये चाहती है, यूथ चाहती है कि वो मेलोडियन सॉन्ग हो, लेकिन अब भी डोंट ट्रांस हो, उसमें ऐसा भी हो कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। पहले ज़माने के और लोग थे, अब और लोग हैं। अब ज़रा सी बात को बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, पेरेंट्स को, इवन के मदर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं बच्चे के, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, तो बच्चे माँ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कहते हैं हटाओ मम्मी को, अब्बू के पास जाना है, पापा ये चीज़, पापा ये शॉपिंग, पापा ये, क्योंकि पापा ने तो कोई बाउंड्री रखी नहीं हुई ना बच्चों के लिए, पापा ने तो रात को आना है बस सारा दिन। तो ये चीज़ होती है कि बच्चों को हैप्पी करने के लिए, उनकी हर चीज़ को फॉरगेट करने के लिए, उनको फ्रेश करने के लिए ट्रांस, भंगड़ा, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सिंगर बनने के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी आवाज़ को, आवाज़ की बैलेंसिंग, ठीक है, और उसके बाद आप रियाजत रखें, तभी आप अच्छे सिंगर बनेंगे। ये नहीं है कि कंप्यूटर्स तो एक गाना आप कर लेंगे, वो गाना हिट होता है नहीं होता है गॉड नोज़। तो आपको अपने आप को फिट रखना है, अपनी वॉइस को फिट रखना है, ताकि कभी भी कहीं भी किस भी लेवल का आपने गाना गाना है, ऊपर नीचे, तो आप गा सकते हैं, ठीक है। ट्रांस गाना है वो लोग बातें गाते ट्रांस, लेकिन हम रियाज तो करते हैं, आप सिंगिंग को टाइम देते हैं, अपनी फील्ड को टाइम देते हैं, तो इसीलिए जो है उसकी फीडबैक आती है हमें। ऐसा नहीं है कि हम बस गाया सो गए, सुबह उठेंगे दूसरा शो कर लिया तो सो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, मैं कहती हूँ नथिंग। नथिंग से मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब शो नहीं है आज, नथिंग मीन्स ये कि आज मेरी कोई मीडिया के हवाले से एक्टिविटी, लेकिन मेरी घर में बहुत है, मुझे रियाज करना है, मुझे गाना याद करना है, मुझे नया गाना लिखना है, ठीक है, मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मुझे हेयर में ऑयलिंग करवानी है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो लोगों को ये लगता है अच्छा कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि बस आप शुरू हो जाएंगे, यू नो, इस तरह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतनी मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि लाइफ इतनी चेंज है, मेरा ज़रा भी टाइम नहीं हो रहा होता। लोग मुझे कहते हैं फेसबुक पे लाइव है, मैं नहीं आ रही होती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फेसबुक पे क्या करें हम, कोई अच्छी बातें तो सुनने के लिए नहीं आता फेसबुक पे, तो आप कुछ डिफरेंट करेंगे, इंटरटेन करेंगे तो ही। तो मैं उस पीरियड में क्या कर रही होती हूँ कि मैं डिज़ाइनिंग का कुछ कर रही होती हूँ, कुछ कटिंग कर रही होती हूँ, स्टाइल कुछ भी मतलब ऐसा कर रही होती हूँ, लेकिन मैं फ्री नहीं होती हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। अपनी तर्ज को हमेशा यूनिक रखने के लिए
मॉडल्स, कभी फेस में चेंजिंग, कभी लिप्स में चेंजिंग, कभी नोज में चेंजिंग, आपने अब तक किस जगह चेंजिंग की? अच्छा, वैसे कोई ऐसे खास चेंजिंग नहीं. हाँ, मैंने मेकअप स्टाइलिंग चेंज किए हैं और अपना लाइक हेयर्स का चेंज किया है, कट चेंज किया है, ग्रूमिंग की. हाँ, लिप्स में सडन सा चेंज है, लेकिन इसको आप सर्जरी नहीं कह सकते. सडन फिलर जो है वो डलवाया था काफ़ी अर्सा पहले, आजकल वो भी नहीं है. तो कुछ लोगों को लगता है कि सर्जरी है, बट ये सर्जरी नहीं है. ये खाना पीना, एक्सरसाइज और आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन होती है, उस वजह से भी आपको काफ़ी वो होता है. और आजकल की जो मेन वजह है जो लोगों को लगता है कि चेंज हो गया है, वो मेकअप बहुत कम हुआ है. तो पहले ये होता था, लोग मेकअप बहुत ज़्यादा करते थे, हेयर्स बहुत हैवी होते थे, तो उसकी वजह से. और अब जो मेकअप बहुत नेचुरल हो गया, हेयर्स भी बहुत नेचुरल हो गए, तो इसलिए लगता है कि चेंज है. बट चेंज कुछ भी नहीं, हर चीज़ मेरी नेचुरल है. खाना खाना पसंद है या बनाना पसंद है? खाना पहले बनाना, फिर खिलाना और फिर खाना पसंद है. तो इस तरह तो फिर आप हमेशा से मेज़बान ही रहेंगी. हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि मैं तकरीबन जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे उनकी पहले से फरमाइशें पड़ी होती हैं. किसी को जी पसंद है मेरे हाथ का कीमा करेले पसंद है, किसी को मेरे हाथ का पुलाव पसंद है, और किसी को केक पसंद है. तो डिफरेंट ये ख्वाहिशात जो हैं रिलेटिव्स की, ये उभरती रहती हैं और आती रहती हैं मेरे पास. और अब तो ये होता है कि मैं जा नहीं पाती काफ़ी अर्सा. तो अब ये होता है उनका कि फ़ोन करते हैं, कहते हैं अपने किचन में ये चीज़ बनाओ और हमें पार्सल कर दो. सबसे ज़्यादा हस्बैंड टेबल पे, खाने की टेबल पे बैठ के हस्बैंड ज़्यादा नुक्स निकालते हैं या तारीफें करते हैं? नुक्स निकालते हैं. क्योंकि उनको ज़्यादातर बाहर का खाना पसंद है, तो वो कहते हैं कि जब भी हो तो बाहर ज़्यादा बेहतर है. बट ये कि जब घर में बना होता है तो बाकी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो फिर वो खाने को कभी देखते हैं और कभी मुझे देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ अच्छा बना. लेकिन खुद से एक होता है ना, वो खाने को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं. फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते ना कि मतलब तारीफ़ करनी है, तो फिर वो डर के मारे कर देते हैं कि अगर बिल्कुल ही ना की तो फिर कुछ. तो मजबूरन बस कहते हैं हाँ हाँ अच्छा बना हुआ है, लेकिन खुद से ऐसा नहीं कि दिल से जैसे कि तो यार बहुत अच्छा बना हुआ है. पता चल जाता है ना कि दिल से कोई तारीफ कर रहा है कि नहीं. तो बस ये कि उनको. आपको क्या लगता है कि सबसे आला आप क्या बना सकती हैं? वेल, मैं देसी आइटम्स बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हूँ, और एक वो जो सैलड्स वगैरह होते हैं जो फ़ौरन हम करते हैं, वो मज़े की और वेरिएशन के साथ चेंज कर करके. कभी तो मतलब मिक्स कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं, वो उसमें कभी सैलड पत्ता डाल दिया, कभी उसमें चिकन, कभी एप्पल, कभी पाइनएप्पल, कभी चिकन पाइनएप्पल सैलड. तो इस तरह की चीज़ें आइटम में ट्राई करती रहती हूँ. जब डेली बेसिस पे जब बन रही होती है, वो घर वालों को भी मज़ा आ रहा होता है, यार इतनी चीज़ बन रही है, तो साथ ये भी कि मुझे भी आ रहा होता है. और जो भी जिस भी चीज़ में मैं हाथ रखूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ यही कहती हैं कि यार तुम जो भी चीज़ बनाती हो, इवन कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई मसाला कोई कम होता है किसी चीज़ में डालने के लिए, तो मैं उस चीज़ को वरी नहीं करती. उसके बिना ही मैं बहुत मज़े का टेस्ट निकाल लेती हूँ. तो वो यही कहती हैं कि यार तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, कुछ भी बना लो, इवन कि खाली सॉल्ट डाल के कोई चीज़ बना लो, उसमें भी टेस्ट आ रहा होता है. हालाँकि लोग कहते हैं जी सॉल्ट का क्या टेस्ट होता है, बट इसका बहुत ही करैक्टर है खानों में और उसमें, यू नो. तो माशाल्लाह से जो भी चीज़ बनाती हूँ वो बहुत अच्छी बनती है. हस्बैंड के साथ कभी तलख कलामी हो जाए, तलख लहजे में गुफ्तगू हो जाए, तो मनाता कौन है? वेल, तलख कलामी नहीं होती, बिकॉज अगर हमारे बीच में कुछ इश्यूज होते हैं तो वो खामोशी अख्तियार हो जाती है उनकी तरफ से. अगर वो ज़्यादा खामोश हो तो मुझे पता चल जाता है कि कोई वजह है. ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ऊंची आवाज़ में चीखे हों एक दूसरे को, ऐसा नहीं है. तो मनाते नहीं है. तो मोस्टली वैसे हस्बैंड की तरफ से मेरा मूड ऑफ रहता है ज़्यादा, बिकॉज उनके आने जाने की टाइमिंग मुझे नहीं सूट करती, तो मेरा मूड ऑफ रहता है. तो ये होता है कि दो एक एक दिन ऑफ रहता है, तो फिर आपको पता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है, इतना खूबसूरत रिलेशन है कि लड़ाई भी हो रही हो तो फिर भी यू नो एक साथ ही रहना है, इकट्ठे रहना है, जो भी है चीज़ें, तो फिर वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है. और कुछ तो चीज़ें अब ये हैं कि अवॉइड करना शुरू कर दी है, तो ज़िंदगी सुकून में है. इंटरनेशनल बेशुमार टूर्स किए, किस टूर को हमेशा के लिए दिल में बसा लिया, और कौन से सिंगर का किरदार आपकी लाइफ में जिसे आप कभी भूल नहीं सकती? ये बहुत मज़े का क्वेश्चन किया आपने. मेरा सबसे पहला टूर यूएस का जो कि हुआ था 2008 में, तो मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं थी. वहाँ पर सब मुझसे सीनियर थे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी बड़े लेवल के सिंगर्स हैं सब के साथ मैंने परफॉर्म किया, और इंडियंस के साथ भी किया, कुछ वहाँ के भी बैंड्स थे,
पाकिस्तान से आतिफ असलम, बुशरा अंसारी, हुमैरा अरशद, शायदा मिनी, जवाद अहमद, सजाद रॉय, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही हो गए ना, तो सबके साथ मैंने एक एक शो किया था. बिकॉज दो पाकिस्तानी सिंगर होते थे, एक परफॉर्मर होती थी और एक दो इंडियंस होते थे, तो इस तरह से. तो माशाल्लाह से मैंने सबके साथ ही किया. लेकिन जो उस टूर में जो यादगार चीज़ें रहीं वो मेरी हुमैरा अरशद के साथ रहीं. तो हुमैरा अरशद ने मुझे वहाँ बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ हमारा टाइम बहुत गुजरा. इवन कि हमने वहाँ एक पाकिस्तान बना दिया था. हम लोग अक्सर फ्री डेज़ में, क्योंकि वीकेंड पे शो होता था तो हम लोग फ्री डेज़ में निकल जाते थे और फुल यू नो रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा होता था. फिर खानों में हमने बहुत इन्जॉय किया, आउटिंग्स बहुत ज़्यादा की. तो हुमैरा की जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये कि मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी और उसको मैंने फ़ोन किया. मैंने कहा हुमैरा इस तरह से मैं आई हुई हूँ तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं अकेली नहीं रह सकती कमरे में ना. तो कहती अच्छा फिर मैं क्या करूँ. मैंने कहा फिर आप मेरे पास आ जाओ या फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ. ठीक है. तो हालांकि जब भी कोई भी आर्टिस्ट इंटरनेशनल टूर पर जाता है तो उसको ये होता है कि नहीं मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, मुझे पर्सनल रहना है. तो मेरे अंदर तो खैर मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती और हुमैरा की भी मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं थी. और बहुत डेयरिंग बंदी है, इसने मुझे बोला कि आज मैं शो के बाद आऊँगी तुम्हारे पास ना. तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट है कहाँ आएंगी. इसने मेरा दिल रखने के लिए बोले, बिल्कुल मायूस होकर ना सो गई. तो मैं सोई तो मैंने उसको मैसेज किया हुआ था कि मेरा ये रूम नंबर है. तो मुझे रात को 3:30 कॉल आई रिसेप्शन से कि हुमैरा अरशद इज़ देयर एंड शी इज़ योर फ्रेंड. मैंने कहा या शी इज़ माई फ्रेंड. तो मैंने कहा सेंड टू माई रूम ना. तो कहते नहीं आप नीचे आ जाए. खैर मैं नीचे गई, मैंने बैग पकड़ा, मैं भागी गई. तो मैंने कहा जी हुमैरा. कहती मसला क्या. मैंने कहा ये मसला है भी मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कमरे में अकेले और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो मेरा अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे अब नींद नहीं आती. तो कहती चलो ठीक है मेरे पास चलो. फिर मैं उसके रूम में गई, वहाँ पर न्यूयॉर्क चले गए हम लोग. वहाँ रहे, खाना पीना, नाश्ता, हमने घूमना फिरना. फिर हम लोगों ने अमेरिका में पाए बनाए. ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि हम लोगों ने अमेरिका में पाए बनाए. तो बस ये कि लाइक ये मेरी यादगार ट्रिप थी हुमैरा की वजह से. तो इसने मेरे ऊपर स्पेंड भी किया, मतलब जहाँ भी मैं जाती थी खाना वाना खाने बिल नहीं देती थी, मैं यही करती थी, हुमैरा ही करती थी. नए आने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? नए लोग जो है वो हम लोगों से बहुत आगे हैं, नेक्स्ट लेवल पे हैं. लेकिन मेरा एक मैसेज है कि थोड़ा पेशेंट रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जो हर दौर में हर हाल में बहुत ज़रूरी है. तो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, स्ट्रगल करें, अपने काम को टाइम दें, तो मेरे ख्याल में कामयाबी से उनको कोई नहीं रोक सकता. असद भाई, ये पाकिस्तान की नामवर मॉडल अब सिंगिंग में आ गई है, तो क्या इसमें एक नया चांप देने की कोशिश है कि चार्ली मामू का किरदार मुस्कान के गानों में? जी कामरान भाई, आप सही कह रहे हैं. माशाल्लाह मुस्कान जय हमारे लिए एक बहुत ही माशाल्लाह ऐसा नाम है कि जिसने पहले मॉडलिंग में माशाल्लाह अपना नाम पैदा किया. चूँकि फनकार के लिए कोई बाउंड्री या कोई एक ही करेक्टर में रहना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है. फनकार तो ऐसा फनकार है कि जिसमें टैलेंट है वो हर काम वो कर सकता है माशाल्लाह. तो मैं कहता हूँ उसने अपना सुर जो है वो सुर ऐसा जगाया है कि माशाल्लाह सिंगिंग में वो इतने अच्छे उसके सॉन्ग्स वो हम देख रहे हैं. तो मैंने सोचा कि अगर वो टैलेंट तो मैं भी चार्ली से बाहर आके तो क्यों ना मैं भी कुछ देखूं कि भी मैं भी उनके काबिल हूं या नहीं. तो होपफुली माशाल्लाह जितना अच्छा वो कर रही हैं तो उनका आने वाला वक्त जो है वो उन्हें पीक पे तो अब भी हैं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी उनके लिए ऐसी ब्लेसिंग्स लेके आए कि वो पीक पे जाएं. तो ये हर फनकार की जो है सबसे बेस्ट विश यही होती है कि उसका नाम जो है वो दुनिया अच्छे अल्फाज में याद करे. बेशक वो सिंगर है, बेशक वो मॉडल है,
वो एक्टर है, तो इनमें तो माशाल्लाह वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, शी इज़ डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज का दिन हमने मुस्कान जे के साथ गुजारा, उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई, उनकी शोबिज़ की लाइफ दिखाई, उनके बारे में पूरी मालूमात कोशिश की कि आपको ज़रूर दिखाएं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।